हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में समझेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल होता क्या है? बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं। इसका मतलब कि जैसे कि एक्स प्लस वाई क्या है? बाइनोमियल है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम ए प्लस बी में, जो कि एक दूसरा बाइनोमियल है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। लेकिन हमारे पास दो मेथड हैं, दे आर टू मेथड्स टू मल्टीप्लाई दिस टू बाइनोमियल्स। तो कौन कौन से मेथड हैं? हॉरिजॉन्टल मेथड एंड कॉलम मेथड, दीज आर द ओनली टू मेथड्स वी यूज टू मल्टीप्लाई टू बाइनोमियल्स। तो पहले हम समझाएंगे आपको हॉरिजॉन्टल मेथड के हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। तो कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो देखिए, हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं कि हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में भी वाई में भी, और बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में भी वाई में भी, ठीक है। लेकिन इसी को लिखते कैसे हैं? दोनों से दोनों में मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए तो बोला जाता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर यूज होता है। तो हम पहले लिखते हैं ए, ये जो पहले टर्म का पहला जो आपका बाइनोमियल है उसका पहला टर्म हम लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरा जो बाइनोमियल है उसको पूरा का पूरा इसके आगे उतार लेते हैं ब्रैकेट के अंदर लेकर के। मीन्स ये बताता है कि ए से हम एक्स में और वाई में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। ओके, फिर प्लस, अब पहले वाले का जो प्लस बी करके यहाँ पर होता है उसको हम यहाँ पर दूसरा टर्म लिख लेते हैं, और दूसरा वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बाइनोमियल होता है, उसको हम आगे इसके उतार लेते हैं। ये बता रहा होता है कि बी से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में। तो ये आपका दिख रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर? ए इंटू एक्स, ए एक्स, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट लिटरल्स हैं, तो हम ए एक्स रख देंगे ऐसे ही, प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो अब समझते हैं कॉलम मेथड की हेल्प से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दो बाइनोमियल्स को। तो कॉलम मेथड में क्या करते हैं कि इन दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लेते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से कॉलम के फॉर्म में इनको अरेंज कर लेते हैं, जैसे हम यूजुअली मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वैसे ही हम इसको लिख कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले बार हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में और यहाँ लिखेंगे, उसके बाद वाई से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में और उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। मीन्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यदि ए में पहले तो क्या मिलेगा? एक्स ए मिलेगा, प्लस एक्स इंटू बी करेंगे तो मिलेगा आपको एक्स बी। आपका ये हो गया है पहला रो। अब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई से मल्टीप्लाएंगे ए में तो आपको मिलेगा ए वाई, तो एक जगह छोड़ करके हम लिखेंगे यहाँ पर ए वाई। फिर प्लस वाई में प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा प्लस बी वाई, तो हमारा इतना आ रहा है। फिर यहाँ पर अब इसके नीचे एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब ऊपर जो आया है और जो नीचे आया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों में कुछ कॉमन यदि रहेगा, सेम रहेंगे यदि वेरिएबल्स, लिटरल्स यदि सेम रहेंगे, तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं साथ में। तो यहाँ पर तो कुछ सेम नहीं है, सब सारे के सारे जो हैं डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इनको हम एज इट इज एक साथ उतार देंगे। मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए वाई प्लस बी वाई, दिस विल बी योर आंसर। और यही आपका आंसर देखिए यहाँ भी आया है, दोनों सेम है। देखिए यहाँ पर ये मत समझिएगा, यहाँ पर y के टर्म्स एक साथ आ गए हैं और x के टर्म्स एक साथ, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से है, लेकिन दोनों के दोनों जो है सेम आंसर है। तो आप समझ चुके होंगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड के हेल्प से। तो यदि आपको कोई भी डाउट है और कोई भी आपको प्रॉब्लम है अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, एक कमेंट जरूर आप करिए यदि आपको अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।